कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की पदयात्रा रविवार को बावल विधानसभा पहुंची, जहां जगह जगह रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का उमड़े जनसैलाब ने फूल मालाओं से स्वागत किया। तो वहीं दूसरी ओर पत्रकारों से बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों की जान चुकी है और अब हरियाणा की जनता भाजपा से उसके 10 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है, जिसे भाजपा मुंह नहीं फेर सकती और उसे जनता के सभी सवालों का जवाब और हिसाब देना ही होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा की जनता की आवाज बनकर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, 750 किसानों की मौत जैसे गंभीर सवालों का जवाब और हिसाब मांग रही है, लेकिन उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इस मौके पर गुरुग्राम से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राज बब्बर और रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव मुख्य रूप से मौजूद रहे। ये एक बात बताओ, ये सभी कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये लोग अपनी भी बात रखे। सांसद महोदय, आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है उनसे हमारी बात थी, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अपने कामों का साथ देने की बजाय हमसे 10 साल के सवाल जो काम है उनका हिसाब मांग रही है, तो वो पहले अपना तो दें। देखिए, ये हमारी ये जो अभियान जब से शुरू हुआ है भाजपा को बड़ी तिलमिलाहट हो रही है। 10 साल प्रदेश को बर्बादी के कगार पे ले आए ये लोग और प्रदेश की जनता इनसे हिसाब मांग रही है और ये कह रहे हम हिसाब नहीं देंगे। तो इस बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि जो मंत्री जी जिनकी बात आप कर रहे हैं वो बावल का भी हिसाब दें। आज बावल में इतनी दुर्दशा क्यों है? आज जिस महकमे के मंत्री हैं, आज सड़कों का हाल देखो, आज वाटर सप्लाई का हाल देखो, दूषित पानी आ रहा है, पानी की निकासी की परिस्थितियां देखो बावल में, आप वाटर सप्लाई देखो कितने खोल ब्लॉक के मैं गांव आपको गिनवा दूं यहां पानी नहीं आ रहा। बावल में आईएमटी कांग्रेस सरकार ने बनाई थी कि यहां पर हुड्डा सरकार ने कि यहां पर आईएमटी बने, एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बने बावल, जैसे गुड़गांव मानेसर है, लेकिन 10 साल में कोई इंडस्ट्री आई हो तो आप बता दो। हार्ले डेविडसन की, एटलस की कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई या दूसरे प्रदेशों में चली गई यहाँ से जो हमारे समय आई थी। हाँ, एम्स का आप देखो, 10 साल केवल घोषणाएं करी, काम क्या किया एम्स पे आप वो बताओ, 10 साल में बना होगा आप एम्स? देखो हमारे समय आपको याद होगा सब डिवीजन बनने की जब बात आई, लोगों ने मांग करी, हुड्डा साहब ने घोषणा करी, शाम तक एसडीएम आ गया था जिस दिन घोषणा हुई। यहाँ सब डिवीजन छोड़ो, तहसील छोड़ो, सब तहसील मने ठीक है कि बिल्डिंग की रिपेयर की क्या व्यवस्था बताओ,